जब तक बेटी हमारे घर है उनकी हर इच्छा जरूर पूरी करें। 5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। किस भाव से दिए भाई, पापा ने सवाल किया। 10 रुपए के 8 दिए हैं, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। पापा को मालूम नहीं था गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वह खाया करते थे तब तो 1 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला, 15 रुपए ही बचे थे। बाकी रुपए घर की ज़रूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर है, 10 रुपए तो बस किराए में लग जाने हैं। नहीं भाई, 5 रुपए में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेने। यह सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया। अरे अब चलो भी, नहीं लेने इतने महंगे, पापा ने माथे पर लकीरें उभर आई। अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लाड भी कर सकती है। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं। तब आप भी तरसोगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने को। गोलगप्पे वाले के ये शब्द थे तो चुभने वाले, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उसने 3 साल पहले खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल से ही छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वह मुट्ठी भरकर के रुपए उनके मुंह में ठूसता रहा, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर मायके आ गई। आज वह छटपटाता है कि उसकी वह बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे, पर वह अच्छी तरह जानता है कि अब वह असंभव है। दे दूं क्या बाबूजी, गोलगप्पे वाले की आवाज़ से पापा की तुंद्रा टूटी। रुको भाई 2 मिनट। पापा पास ही पंसारी की दुकान थी, उस पर गए जहाँ की जरूरत का सामान खरीदा था। खरीदी हुई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपए जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने डबडबाई आंखें पूछते हुए कहा, अब खिला दो भाई। हाँ तीखा जरा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है, सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई और पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर है उनकी हर इच्छा जरूर पूरी करें, क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो या पाए या ना हो पाए। ये बेटियां भी कितनी अजीब होती हैं, जब ससुराल में होती हैं तब मायके जाने को तरसती हैं, सोचती हैं कि घर जाकर माँ को बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके जाती हैं तो एकदम शांत हो जाती हैं, किसी से कुछ भी नहीं बोलती, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती हैं, बहुत बहुत खुश होती हैं, भूल जाती हैं कि कुछ पल के लिए पति ससुराल, क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है मायके में, एक अजीब कशिश होती है मायके में। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती है ये बेटियाँ। ससुराल में कितने भी रोएं पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती ये बेटियाँ, क्योंकि बेटियों का सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला देता है, रुला देता है। कितनी अजीब है ये बेटियाँ, कितनी नटखट हैं ये बेटियाँ, भगवान की अनमोल देन हैं ये बेटियाँ। हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दें, उन्हें कभी भी ना रुलाएं, क्योंकि ये अनमोल बेटी 2 परिवार जोड़ती है, 2 रिश्तों को साथ लगाती है। अपने प्यार और मुस्कान से हम चाहते हैं कि सभी बेटियां खुश रहें हमेशा, भले ही हों वो मायके में जाए ससुराल में। खुशकिस्मत है वो जो बेटी के बाप हैं, उन्हें भरपूर प्यार दें, दुलार करें और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करें, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है और अपने पिता को ही छोड़कर आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने आई है। उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ आपसे हैं। तो ये थी आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।
और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ढेर सारी मज़ेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली कहानी में।